Hey guys, welcome to EME. So, after a long time, I'm back. Actually, कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नाजुक थी, इसीलिए कोई वीडियोस नहीं बना रहा था. But EME, मैं वापस आ चुका हूँ एक दमदार वीडियो के साथ. हाँ, आज का हमारा टॉपिक, हमने कह सकते हैं कि ISI, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कैसे प्रिपेरेशन करते, उसी के ऊपर, उसी के जैसा वीडियो है. बट ये मेरे पुराने वाले 7 प्रिपेरेशन टिप्स फॉर ISI, इससे ये कई गुना ज़्यादा डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स जब प्रिपेरेशन करते हैं ISI MSQE के लिए या फिर किसी भी इंडिया ISI या कोई भी एग्जाम के लिए, IGIDR या कोई भी एग्जाम के लिए, प्रिपेरेशन के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा इस वीडियो में. एंड उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इसका ये सही सोल्यूशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. बट नो वरीज, आपके टाइम को बचाने के लिए मैं पहले वो 3 सवालों को यहाँ पे बता दूंगा स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो के वो 3 सवालों को बता दूंगा, ताकि आप उन तीनों सवालों को सुनो और आपको अगर लगता है कि हाँ, इन तीनों सवालों का जवाब मुझे चाहिए, देन आप वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज गो बैक टू योर प्रिपेरेशन. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ऑन विच थिंग्स वी शुड फोकस मोर ऑन, इज इट क्लियरिंग द कंसेप्ट्स और सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ISI या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के. हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स. एंड हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग वी शुड एक्चुअली स्टडी, कि कितने देर तक हमें पढ़ना चाहिए. ओके, इसके पहले कि मैं अपने ये तीनों सवालों के जवाब दूँ, मैं आपको बस कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल में लोगों को इकोनॉमिक्स, स्टडी टिप्स और इंटर्नशिप्स एंड मनी मेकिंग टिप्स, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इसीलिए अगर आपको लगता है कि मेरा बताने का तरीका अच्छा है और आपको उससे समझ आ रहा है, तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो. और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको लगता है कि ये वीडियो उनके साथ शेयर करना चाहिए, उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्लियरिंग कंसेप्ट्स पे या फिर हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए. अब इस चीज़ को देखो, इसके जो आंसर है ना, वो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको फील किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है. ठीक है, और वो कैसे, मैं क्या करता था, मैं चैप्टर वाइज पढ़ता था. मैंने एक चैप्टर को पढ़ा, मैंने उस चैप्टर को पूरा कंसेप्ट उसका क्लियर किया, उसके बाद मैंने उस चैप्टर वाइज फिल्टर किए क्वेश्चंस को, कि उस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ISI या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें. ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, उस चैप्टर को मैंने फिल्टर कर लिया, क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर कर लिया. अब उसके बाद एक मेरे को उस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके भी आइडिया हो गए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अगर मैं सॉल्यूशन देखता भी हूँ, देन ऑल्सो मेरे को एक और ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है. हमको और आपको दोनों को पता है कि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो सिर्फ 2 तरीके से ही क्लियर होते हैं. एक, सबसे पहला चीज़, जो हम पढ़ रहे हैं उसको इस तरह पढ़ें कि हम दूसरों को समझा पाएँ. ठीक है, एंड दूसरा चीज़, हमारा जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उससे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से नए नए क्वेश्चन हमारे मन में आने लगते हैं, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ेंगे तो शायद ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे. सो इसीलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरत हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते रहो और कंसेप्ट को क्लियर करते रहो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में. यू नीड टू हैव द बैलेंस, राइट? आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, आपको पढ़ना भी है. आपको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, ऐसा पढ़ना है जिसे कि आप सामने वाले को समझा पाए. अगर मैं आपसे बोलूँ कल को कि मुझे कंज्यूमर बिहेवियर समझना है, और आप बोले कि ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ, और आपने मेरे को ऐसे समझाया जिससे मेरे को सच में क्लियर हो गया, तो समझ जाना कि आप राइट ट्रैक पे हो, आप बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो. इसीलिए आपने मेरे को इतना अच्छे से समझाया है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? एंड इसके साथ फिर क्वेश्चन पेपर्स कंज्यूमर बिहेवियर के जो भी है उसको सॉल्व करते रहो, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता रहे. और इसको हर एक चैप्टर वाइज के साथ करो, यानी पर चैप्टर आप इसी ट्रिक को ऐसे फॉलो करो. ठीक है, ओके. अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन का जवाब ना आपको कोई एक्चुअली सही ढंग से देता नहीं है. ठीक है, अब वो ये है कि व्हाट इज़ द राइट टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करोगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि इसको इस तरीके से करो, उसको उस तरीके से करो. बट यहाँ पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने ISI के एक क्वेश्चन पेपर को लिया, मे बी 2011 के आपने पेपर को लिया. ठीक है, अब आपने 2011 के पेपर को लिया है एंड आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, आपने कोशिश किया सॉल्व करने का, एक बार जस्ट सोचा कि हाँ चलो देखते एक बार कैसे होगा, ओ
नहीं आ रहा है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फिर आपने सॉल्यूशन देखा, एंड जैसे ही आपने सॉल्यूशन देखा आपको क्लियर हो गया। आप कुछ दिन बाद वापस आते हो सॉल्व करने, 2011 का ही पेपर आप वापस सॉल्व करते हो, बट इस बार फिर से आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है। इट मीन्स SI में क्या होता है ना, SI में देखना क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, तो इसका मतलब आपको फोकस ज़्यादा करना होगा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने में, आपका जो मन है वो एकदम स्टेबल रहना चाहिए, एंड उसके सॉल्यूशंस देखना ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, उसके उसमें बस आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ओके ये क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस समय आपको इसका मतलब क्या है, यहाँ पे SI जो क्वेश्चंस देता है वो किस तरीके से देता है, वो क्वेश्चंस का ऐसे देता है जिससे कि आप थोड़े दिमाग को खर्च करो ना कि प्रैक्टिस करो। तो आपके दिमाग में जब तक वो क्लिक नहीं करेगा ना कि इसका सोल्यूशन ऐसे होगा या फिर इस टाइप के सम्स मैंने पहले भी सॉल्व किए हैं, तब जाके वो दिमाग में आएगा नहीं, और तब तक आपको सोल्यूशन मिलेगा नहीं, और तब तक आपको बार बार जो है बार बार सोल्यूशन देखना पड़ेगा, आप खुद से नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ पे जो मैं फोकस करने की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको खुद से सोचना है, आपको ये देखना है कि आप सोच कैसे सकते हो, क्योंकि अगर आपके जो सर हैं अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो किसी क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन नहीं उतार के दे रहे, राइट, वो क्या कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब उनके दिमाग में बार बार क्लिक कर जा रहा है कि ये सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है। तो ये जो सोचने की शक्ति है ना, ये आपको डेवलप करनी है। और ये आप कैसे डेवलप कर सकते हो, इसको डेवलप करने के लिए आपको एक्चुअली में क्या करना होगा, अगर आप एक सम्स को ले रहे हो, ठीक है, आप उस सम्स को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आप कोशिश करो उसको सोचने का, थोड़ा टाइम लगेगा, या इट कुड बी लाइक आधा घंटा लग सकता है एक सम्स को सॉल्व करने में, एक घंटा लग सकता है एक सम्स को सॉल्व करने में, कोई बात नहीं है। ये सब अपने दिमाग में मत लाना कि आप शायद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी चीज़ के लिए, आप लायक ही नहीं हो, ना, एकदम बस सोचते रहो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कैसे करूँ मैं कैसे करूँ। पहली बात तो सोचने में मज़ा आएगा, मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन को देखता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, और उसके बाद जब वो हो जाता है ना, देखना आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आपको लाइक उसके पहले आप जितने भी क्वेश्चंस को जैसे आप प्रैक्टिस किए होगे ना, वो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके भी उतनी खुशी कभी नहीं मिलेगी जितना आपको ये एक सम्स को सॉल्व करने में अपने खुद से सॉल्व करके आपको मिला होगा। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप ये आदत अपने अंदर डालोगे ना, तो आपको ब्रेन में फिर देखना एक समय ऐसा आएगा जब आपके ब्रेन में क्लिक करने लग जाएगा कि हाँ ओके ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, इसके लिए आपको टाइम देना होगा, आपको ईच एंड एवरी सम्स को टाइम देना होगा, आपको एक घंटा दो घंटा ईच एंड एवरी सम्स को देना होगा, और कंसिस्टेंटली आपको एक दो महीना ये प्रोसेस को अपनाना ही होगा, क्योंकि ISI एग्जाम में सिर्फ यही प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि वो लोगों को रैंक लाने पर हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप सोच नहीं रहे हो जस्ट आप सॉल्यूशन को वापस देख के प्रैक्टिस कर ले रहे हो, देन थोड़ा कम चांस है कि आपका मतलब एग्जाम हॉल में आप तुरंत तुरंत जब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो उस समय आपके दिमाग में तुरंत तुरंत सारे सॉल्यूशंस आ जाए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब आता है हमारा तीसरा सवाल, हाउ लॉन्ग वी शुड स्टडी। आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटा पढ़ना है हर दिन, ठीक है, और आपको सप्ताह में 5 दिन के लिए पढ़ना है। बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको मतलब 6-7 घंटा पढ़ना है और 5 दिन के लिए सप्ताह में पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। और किसी जो अगर कोई भी ऐसा कुछ बोलता है ना, उसका बात तो सुनो ही मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में एंट्रेंस एग्जाम छोड़ो यार, वो क्लियर वेयर होता रहेगा, बट अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ के मज़ा आ रहा है, देन ये सवाल ही नहीं आना चाहिए पहली बात तो, कि आपको कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, जब तक आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ते रहोगे। मेरे साथ ये खुद होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ये कभी कभी हर 10 दिन में होता है, ठीक है, ये मैं ऐसे गद्दे पे सोया हुआ हूँ रात को, मेरे को नींद नहीं आ रही है अचानक से, मैं अपने मन से पूछता हूँ कि क्या बात है भाई नींद क्यों नहीं आ रही है, तो बोलता भाई यार ये वाला करके देखते हैं ना, थोड़ा सा ये प्रोसेस अपना आँख देखते, जो भी मैं काम कर रहा हूँ चाहे वो कोई बुक पढ़ रहा हूँ या फिर कोई चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी ये करके देखते हैं, ऐसे करेंगे इसको तब मज़ा आएगा, तब हो जाएगा शायद, करके देखते। मैं तुरंत उठ के वो करने लगता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कभी भी वो चीज़ करना शुरू कर दोगे, और आप टाइम भी नहीं देखोगे, और अपने ब्रेन को ये चीज़ देना ही मत कि मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगा, तो क्या करेगा आपका ब्रेन जो है ना वो गिनने लगेगा कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, तो उसके बाद अगर आपको एनर्जी बचेगा बिना आपके अंदर तो भी आप फिर वापस नहीं पढ़ पाओगे। तो ये गलती तो कभी मत करना, अपने ब्रेन को कोई लिमिट देना ही नहीं है, ठीक है। और आपको जितना इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट के साथ एकदम दिमाग लगा के अच्छे से शांति मन से पढ़ो, जब जब आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो, बस तब तक। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को हर दिन पढ़ना ही है, नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं मत पढ़ो, पर एकदम मन से पढ़ो, एकदम फोकस करके पढ़ो, बस ओवरऑल यही मैं कहना चाहता हूँ।
तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो तीन सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है वो आपको मिला है, और अगर आपको लगता है कि इन तीनों सवालों के जवाब जो मैंने बहुत सही ढंग से दिए हैं या फिर सच में कोई वैल्यू मिल रहा है, तो जो जो लोग ISI प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसा कौन सा और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।